अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मटन कोफ्ता। ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप सेम उसी मेथड से बनाइए तो आपके कोफ्ते कभी भी सख्त नहीं बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। ये मुंह में रखते ही घुल जाते हैं, इतने सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसका पाउडर बना लूंगी। ये मैंने लिए हैं 35 ग्राम रोस्टेड चना लिया है। ये मैंने काजू लिए हैं 8 से 10 पीस हैं। इनका हम फाइन पाउडर बना लेंगे। अब लेंगे हम ये मटन का कीमा लिया है मैंने 500 ग्राम। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। ये मैंने जो रोस्टेड चने और काजू का पाउडर बनाया था वो डाल दूंगी। अब डालेंगे 1/4 टीस्पून मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून डालूंगी मैं सौंफ का पाउडर। इसे डालने से हमारे कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। 1 मीडियम साइज की प्याज ले रही हूँ, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसका पानी निकाल दिया है। अब डालेंगे हम धनिया पत्ती और हरी मिर्च। ये मैंने 3 हरी मिर्च लिए हैं, बारीक काट लिए हैं। अब इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसे हम हाथ से मिक्स करेंगे ताकि बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच बटर, इससे हमारे कोफ्ते ड्राई नहीं होंगे। अब डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इन दोनों चीजों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें सारी बॉल्स तैयार कर लेनी है, बिल्कुल चिकनी बनी है। कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, गैस को ऑन कर दिया है। यहाँ मैं ऑयल ले रही हूँ 1/2 कप, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1-1 कप की कोफ्ते रख देंगे। हम इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। चारों तरफ से ये गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बाकी बचे हुए कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। इसमें ये खड़े मसाले, यहाँ मैं ले रही हूँ 1 मोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, 1 फूल, काली मिर्च ले रहे हैं हम 8 से 10, 2 से 3 बेली। इन सभी मसालों को इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज की प्यूरी की है मैंने, ये हम इसमें डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे कलर चेंज होने तक। प्याज बहुत अच्छी तरह से भून गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम सूखे मसाले, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भुन जाए उसके लिए मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। अब हम इसे कच्चापन खत्म होने तक भून लेंगे। अब हम मसाला चेक कर लेते हैं। मसाला हमारा परफेक्ट भून गया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब हम ये सारे कोफ्ते इसमें डाल देंगे। अब इसे लो मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला,
धनिया पत्ते, तैयार किए हुए कोफ्तों को सर्व करेंगे। अब इसपे मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती डेकोरेट कर दूंगी। मटन कोफ्ता करी बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट है ये, कितने आराम से कट हो रही है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।